Hello, children. I hope you all are doing very well and taking good care of your health. So, today we are going to start chapter number 11, that is plants of our EVS book. So, let's get started. Plants grow all around us, they make the earth colorful. प्लांट्स हमारे चारों तरफ ग्रो करते हैं आप जहाँ भी देखेंगे आपको अर्थ में चारों तरफ ग्रीन कलर के प्लांट्स दिखाई देंगे दे मेक द अर्थ कलरफुल वो हमारे अर्थ को हमारे पृथ्वी को कलरफुल बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स और उनमें कलरफुल फ्लावर्स तो अर्थ पर जितने भी कलर्स हैं दे आर बिकॉज ऑफ प्लांट्स सम प्लांट्स आर बिग वाइल अदर्स आर स्मॉल यू कैन सी इन द पिक्चर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रास बुशेस अगर आप घास देखेंगे या छोटे छोटे बुशेस देखेंगे वो बहुत छोटे होते हैं लेकिन अगर हम बड़े ट्री की बात करें तो ट्री बहुत बड़ा होता है इसका मतलब कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं और कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज दे हैव अ वेरी स्ट्रोंग स्टेम कॉल्ड ट्रंक जो बहुत बड़े पौधे होते हैं उनको हम पेड़ कहते हैं जब पौधा बहुत बड़ा हो जाता है तो वो पेड़ बन जाता है ट्रीज़ बन जाता है फिर हम उसे प्लांट नहीं कहेंगे हम उसे क्या कहेंगे ट्रीज वेरी बिग प्लान्ट आर कॉल्ड ट्रीज़ और ट्रीज़ का जो स्टेम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है स्टेम आपको पता है रूट जो है ज़मीन के नीचे होता है रूट के ऊपर जो प्लांट को सपोर्ट करके उसको खड़ा रखता है स्ट्रेट रखता है दैट इज कॉल्ड स्टेम ट्रीज़ का स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ट्रीज के स्टेम को हम क्या बोलते हैं ट्रंक क्या बोलते हैं ट्रंक सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स They cannot stand on their own. They are called climbers and creepers. kuch कुछ ke के bahut बहुत hote होते हैं matlab मतलब कमज़ोर होते हैं They cannot stand on their own देअर वो खुद से खड़े नहीं हो पाते ओन मतलब खुद से वो खुद से खड़े नहीं हो पाते उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं क्लाइंबर्स या क्रीपर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लाइम्बर्स मतलब जो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं पर उनको चढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है यहाँ आप देख सकते हैं जैसे एक स्टिक लगाए तो फिर वो स्टिक की हेल्प से ऊपर चढ़ने लग जाते हैं उनका स्टेम बहुत वीक होता है जिसके कारण वो स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाते तो उनको सपोर्ट देने से वो ऊपर चढ़ने लग जाते हैं दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स और जो नीचे की तरफ बढ़ते हैं दे आर कॉल्ड क्रीपर्स ये दोनों ही क्लाइंबर्स और क्रीपर्स इनके स्टेम बहुत वीक होते हैं और इनको ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है नाव हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ अ ट्री एंड नाव लेट सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्री ट्री के अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं लेट लेटस स्टार्ट विद द बॉटम नीचे से शुरू करते हैं सबसे पहला पार्ट है रूट्स रूट्स को हम क्या कहते हैं जड़ रूट्स मतलब जो ज़मीन के अंदर होता है जो सॉइल से पेड़ को जोड़ कर रखता है जो मिट्टी से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है प्लांट के लिए ट्री के लिए दैट इज़ कॉल्ड रूट्स ठीक है रूट्स के ऊपर जो स्टेम है ट्री का स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उसे हम कहते हैं ट्रंक क्या कहते हैं ट्रंक जब हम स्टेम के ऊपर जाते हैं तो वो पतले पतले ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है आप देख सकते हैं नीचे एक स्ट्रॉन्ग स्टेम है दैट इज ट्रंक और ट्रंक से ऊपर जाने के बाद वो पतली पतली डालियों में डिवाइड हो जाता है दे आर कॉल्ड ब्रांचेस उन्हें हम क्या कहते हैं ब्रांच जो फल लगे होते हैं ट्रीज में दे आर कॉल्ड फ्रूट आपको पता है फ्रूट मतलब फल और लीव्स मतलब पत्तियाँ सो द मेन पार्ट्स ऑफ अ ट्री आर रूट्स ट्रंक ब्रांच फ्रूट

आपने देखा होगा अलग अलग तरह के पेड़ को जैसे अगर हम नीम के बारे में बात करें तो नीम की पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती है वहीं अगर हम बनाना के लीव की बात करें तो बनाना का लीव बहुत ही बड़ा होता है बनाना हैज़ बिग लीव्स वहीं लोटस और पीपल के लीव्स भी अलग अलग साइज के होते हैं यानी हर प्लांट के लीव्स अलग अलग साइज़ के होते हैं किसी के लीव्स बड़े होते हैं तो किसी के लीव्स छोटे होते हैं सो डियर चिल्ड्रन दीज प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमें प्लान्ट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इन दिस पिक्चर यू कैन सी वट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स प्लाट्स से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं एक बार देखते हैं सबसे पहले टी आपको पता है आप जो चाय पीते हैं उसकी जो पत्तियाँ हैं दे आर एक्चुअली लीव्स ना तो टी फ्रूट्स यू ऑल नो जितने भी फल आप खाते हैं वी वी ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स। वीट यानी गेहूं कॉफी राइस शुगर दाल्स ऑल दी वेजिटेबल्स कॉटन कॉटन मतलब रुई प्लांट से हमें रुई मिलता है और फिर उस रुई से हम कपड़े बनाते हैं जूट प्रोडक्ट्स प्लांट से हमें जूट मिलता है फिर उससे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे बैग्स बनाते हैं रोब बनाते हैं परफ्यूम प्लांट से हमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स मिलते हैं और उन फ्लावर्स से फिर परफ्यूम बनाया जाता है मेडिसन्स बहुत सारे मेडिसिन भी प्लांट से बनाए जाते हैं वुडन फर्नीचर प्लांट से ट्रीज़ से हमें वुड मिलता है लकड़ियाँ मिलती है और फिर उन लकड़ियों से हम फर्नीचर बनाते हैं सो माय डियर चिल्ड्रन दीज प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस दीज प्लांट्स नॉट ओनली मेक द अर्थ लुक कलरफुल बट दे आल्सो प्रोवाइड अस ऑक्सीजन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देता है जिसे हम सांस लेते हैं और हम जिंदा रहते हैं Okay, so my dear children, I hope you all have understood the chapter now. Now, in the next video, I'll be explaining the exercise of the chapter. Okay, thanks for watching. Bye bye.